हेलो दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ उसका नाम है किसान और कसाई। मोहन एक किसान था। वह दिन रात मेहनत कर अपने खेत में फसल उगाता था। उसके पास दो बैल थे। दोनों बैल बहुत वफादार और मेहनती थे। दोनों बैल कभी भी अपने मालिक का बुरा नहीं सोचते थे। उन्हें उनका मालिक बहुत पसंद था। एक बार जंगल से गुजरते वक्त मोहन का पैर एक जाल में फंस गया। दोनों बैलों ने अपने मालिक की सहायता की। मोहन अपने स्वामी भक्ति से बहुत खुश हुआ। घर पहुंचकर मोहन ने अपनी माँ को जंगल का सारा किस्सा सुनाया। माँ भी दोनों बैलों का मोहन के लिए इतना प्रेम देख बहुत खुश हो गई। समय बीतता गया। कुछ सालों बाद मोहन की शादी हो गई और उसके कुछ दिनों बाद मोहन के माँ का देहांत हो गया। मोहन के दोनों बैल भी अब बूढ़े हो गए थे। उनमें काम करने की ताकत खत्म हो गई थी। एक दिन मोहन की पत्नी ने उससे कहा कि यह बैल अब किसी काम के नहीं हैं। दोनों को मुफ्त में खिलाना पिलाना पड़ेगा, इसलिए अब उन्हें बेच देना चाहिए। पत्नी की बातें सुन दोनों बैलों को बहुत बुरा लगा और वे रोने लगे। पत्नी की बार बार कहने पे मोहन ने अपने दोनों बैलों को एक कसाई को बेचने का फैसला कर लिया। भारी मन से वह अपने बैलों को कसाई के पास छोड़ने चला गया। कसाई के पास पहुंचकर मोहन ने दोनों बैलों की लगाम कसाई को थमा दिए। बदले में कसाई ने उसे कुछ रुपए दिए। जब मोहन वहां से जाने लगा तब उसके दोनों बैल उसके पैरों के सामने रोने लगे। मोहन वहां से चला गया और दोनों बैल अपने मालिक को जाता देखते रहे। कुछ समय के बाद वहां एक चोर आया। उसने कसाई से पैसे मांगे। तभी कसाई ने कहा कि उसके पास पैसे नहीं हैं। उसने अभी अभी बैलों के बदले 400 रुपये मोहन को दिए हैं, जो अपने घर के तरफ गया है। चोर मोहन के पीछे चले गए। यह पूरी घटना मोहन के दोनों बैलों ने भी देखा और वे दोनों परेशान हो गए। अपने मालिक को खतरे में देख दोनों बैलों ने कसाई को जोर से सींग मार रस्सी छुड़ा ली और दोनों बैल चोर के पीछे भागने लगे। रास्ते में मोहन को अकेला देख चोर ने उसका रास्ता देख लिया और उससे पैसे मांगने लगा। लेकिन तभी मोहन की दोनों बैल वहां आ गए। गुस्से में दोनों बैलों को अपनी तरफ आता देख चोर सकपका गया। दोनों बैलों के डर से चोर वहां से भाग गया। दोनों बैलों की वफादारी देख मोहन को अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने दोनों से हाथ जोड़कर माफी मांगी और रोने लगा। मोहन के आंसू देख दोनों बैल प्यार से उसे चाटने लगे और अपनी पूंछ और गर्दन हिलाकर अपना प्यार दिखाने लगे। मोहन दोनों बैलों को वापस घर ले गया। मोहन को बैलों के साथ वापस आता देख मोहन की पत्नी बहुत गुस्सा हुई। मोहन ने अपनी पत्नी को रास्ते की सारी बात बताई कि कैसे उसके दोनों बैलों ने उसे चोरों से बचाया। उसकी पत्नी को अपनी भूल का एहसास हुआ और उसने वादा किया कि वह अब इन दोनों बैलों को कभी भी मोहन से अलग नहीं करेगी। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी उन लोगों को खुद से दूर नहीं करना चाहिए जो हमें वफादार होते हैं। वफादारी सबसे अनमोल गुण है। जो लोग हमसे वफादारी करें हमें उनकी इज्जत करनी चाहिए। तो दोस्तों, आशा करता हूँ यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसे ही मज़ेदार कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।